भारतीय क्रिकेट टीम का 5 सितंबर मंगलवार को वनडे वर्ल्ड कप 2023 के लिए ऐलान हुआ। टीम का ऐलान कप्तान रोहित शर्मा और चीफ सेक्रेटरी अजीत अगरकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए किया। इस दौरान दोनों ने कई सवालों के जवाब भी दिए। इसी बीच एक सवाल का जवाब देते हुए भारतीय कप्तान रोहित शर्मा थोड़ा भड़क भी गए। यहां तक उन्होंने यह साफ कह दिया कि वह ऐसे सवालों का जवाब न अभी देंगे और न आगे वर्ल्ड कप के दौरान देंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रोहित शर्मा से एक सवाल पूछा गया, जिसमें टीम इंडिया के प्रदर्शन पर बाहर के माहौल और बाहरी प्रतिक्रियाओं का जिक्र था। उनसे पूछे गए सवाल में भारत पाकिस्तान के बीच हुए मैच में भारत टीम के प्रदर्शन का भी जिक्र है। रोहित शर्मा ये सवाल सुनकर थोड़ा भड़के और उन्होंने कहा कि मैं कितनी बार इसको लेकर बोल चुका हूँ, बाहर क्या होता है उससे हमको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा काम कुछ और है। हमारा काम ये नहीं है कि हम बाहर का माहौल देखें और उस हिसाब से खेले। टीम में जो सभी खिलाड़ी हैं वो प्रोफेशनल हैं, वो सभी परिस्थितियों को देख चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इससे कोई फर्क पड़ता है। और मुझसे अभी वर्ल्ड कप में भी ये सब सवाल मत पूछना। जब हम आगे वर्ल्ड कप में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे इंडिया में, मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। इसका कोई मतलब नहीं है। हमारा फोकस कहीं और है और हम एक टीम के तौर पर उसी चीज़ पर फोकस बनाए रखना चाहते हैं।